तो गाइज आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एपोमिक्सिस। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज एपोमिक्सिस, डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज एपोमिक्सिस और सम इंट्रोडक्शन अबाउट एपोमिक्सिस। जो टर्म एपोमिक्सिस है ये दो वर्ड से मिलके बनी है, एपो एपो मीन्स है विदाउट और मिक्सिस मीन्स मिंगलिंग और वी कैन से मिक्सिंग। तो एपोमिक्सिस बेसिकली क्या है? इट द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेंड टू रिप्लेस और टू एक्ट एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सेक्सुअल मेथड। तो एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक कहना चाहिए रिप्लेसमेंट है या अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट है। इसकी डिस्कवरी की बात यदि हम करते हैं तो इसका क्रेडिट जाता है लीवेनहॉक को, और इन्होंने जो है सबसे पहले 1719 में सिट्रस सीड के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था। एपोमिक्सिस के अंदर खास बात यह है कि सीड्स तो बनते हैं, लेकिन जो सीड्स बनते हैं ये सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनते हैं। जो जीनोटाइप है एम्ब्रियो का वो बेसिकली सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है जीन्स की, यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। तो जैसा बताया जा रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से जीन्स का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से जो जीनोटाइप है वो सेम रहता है। विंकलर के अकॉर्डिंग ये जैसा आपको बताया गया था कि इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यदि हम देखें एक नॉर्मल जो एम्फीमिक्सिस होता है, एम्फीमिक्सिस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, पहला होता है मियोसिस और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। मियोसिस जैसा आप लोग जानते होंगे कि जो मैन प्लांट हैं वो स्पोरोफाइट होता है वैसे, और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है। जब भी वहाँ पे गैमीट्स बनते हैं तो वो गैमीट्स जो हैं नेचुरली मियोसिस के बाद बनते हैं, और उसके बाद वो गैमीट्स फ्यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, और उसके बाद जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर डायरेक्टली स्पोरोफाइट बना देता है। तो वहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एपोमिक्सिस के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। अब यदि बात करें डेफिनेशन की तो इसकी कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे पहली डेफिनेशन हो सकती है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एक तरह से ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है लेकिन वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है। दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कि एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स वाया सीड्स इन विच एम्ब्रियो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक ये डेफिनेशन हो सकती है। और तीसरी डेफिनेशन हो सकती है कि एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स टेक पार्ट बट सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट यूनियन ऑफ गैमीट्स दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो सभी के अंदर एक ही बात आ रही है कि बेसिकली जो एपोमिक्सिस है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन है। अब टाइप्स की बात करते हैं तो माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को चार टाइप्स में डिवाइड करा था, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी या फिर जिसको हम न्यूसेलर एम्ब्रियोनी कहते हैं, और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस और बल्बिल्स। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहला टाइप है रिकरेंट एपोमिक्सिस। इस टाइप के एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक है डेवलप्स फ्रॉम द डिप्लॉयड एग मदर सेल और फ्रॉम सम अदर डिप्लॉयड सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेल। तो बेसिकली एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो सैक की बजाय एम्ब्रियो पढ़ना चाहिए हमें। एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो डिप्लॉयड
एग मदर सेल या फिर किसी डिप्लॉइड सेल से। जैसे एम्ब्रियो सैक में आप जानते होंगे कि इसके अंदर जितने भी ये सेल्स हैं, जैसे कि चैलेजल एंड में आपके एंटीपोडल्स हैं, एग है या फिर सिनर्जिड्स हैं, ये सभी हैप्लॉइड होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई ये डिप्लॉयड हो जाते हैं बाद में, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस जब फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ एम्ब्रियो सैक की सेल्स डिप्लॉयड होती हैं जिनके अंदर मियोसिस नहीं हुई होती है। तो यदि एम्ब्रियो उससे डेवलप होता है और बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो इस टाइप को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस कह सकते हैं। कंसिक्वेंटली द एग हैज़ द नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम द सेम एज इन द मदर प्लांट एंड द एम्ब्रियो सब्सिक्वेंटली डेवलप फ्रॉम एग न्यूक्लियस विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एक तरह से जो एग है वो भी डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसमें हैप्लॉयड होता है, लेकिन इस केस में डिप्लॉयड एग है और वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगा जो कि डिप्लॉयड रहेगा। इस टाइप का जो एपोमिक्सिस है वो क्रेपिस, पोआ, टेरेक्सेकम और एलियम, इनमें बिना पॉलिनेशन के स्टिमुलस के होता है। जबकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे पार्थिनियम, र्यूबस, मेलस, इनमें एक तरह से पॉलिनेशन का स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उसके बिना जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं होती। अब दूसरे टाइप की हम बात करें नॉन रिकरेंट की, तो इस टाइप के एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली डेवलप होता है हैप्लॉइड एग सेल से। पहले वाले केस में आपको बताया वहाँ डिप्लॉइड एग सेल से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड एग सेल से बन रहा है। इसको हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कह सकते हैं, और सम अदर हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक से भी बन सकता है, यानी कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो दूसरी हैप्लॉइड सेल्स हैं उनसे भी इसका डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि एंटीपोडल्स या सिनर्जिड्स। दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस अकर्स वेरी रेयरली एंड इज प्राइमरली ऑफ जेनेटिक इंटरेस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, रेयर है। और ऐसे केस में जो प्लांट्स हमारे बनते हैं वो हैप्लॉइड होंगे और स्टेराइल होंगे, इनके अंदर सीड्स एक तरह से फर्टाइल नहीं होंगे बाद में, इससे हम दूसरे प्लांट्स नहीं ग्रो करा सकते। जो इस टाइप का एपोमिक्सिस है वो सोलेनम निग्रम और लिलियम स्पीसीज के अंदर पाया जाता है। तीसरा टाइप है एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, या फिर जिसको हम न्यू सेलर एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो सैक के सेल से डेवलप नहीं होता, बल्कि ये जो डेवलप होता है ये न्यूसेलस या इंटेगुमेंट्स की सेल से डेवलप होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, लेकिन इसके बाहर की तरफ जो है ये न्यूसेलर रीजन होता है, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। तो ये दोनों ही टाइप की जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, और इन्हीं से एक तरह से यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी अकर्स इन मैनी प्लांट स्पीसीज बट इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ट्री स्पीसीज लाइक सिट्रस एंड मैंगो। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कॉमनली पाई जाती है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स के अंदर ये पाई जा सकती है। अब बात करते हैं चौथे टाइप की, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, या फिर इसको हम वेजिटेटिव बल्बिल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह की जो एपोमिक्सिस है ये कुछ प्लांट्स में पाई जाती है, जैसे कि एलियम है, एगेव है, पोआ है या डायस्कोरिया है। इसके अलावा कुछ ग्रासेस भी हैं। इनमें देखा जाता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट हैं या फिर इनका इन्फ्लोरेसेंस है, उस जगह पे जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं उस जगह कुछ बल्बिल्स
या ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये डायस्कोरिया का केस है, डायस्कोरिया में भी यहाँ पे आपको एक बल्बस स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बल्बिल्स हैं, ये वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, और ये प्लांट से डिटैच होती हैं और इनसे नया प्लांट डेवलप हो सकता है। तो एक तरह से वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, तो इसको हम वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं एपोमिक्सिस के। तो एडवांटेजेस पे आते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला, एश्योर्ड रिप्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स सच एज इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि जनरली हम यदि देखें तो यदि पॉलिनेशन ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये एक तरह से एक अल्टरनेटिव मेथड है कि विदाउट पॉलिनेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज पॉसिबल। दूसरा केस है मैटरनल एनर्जी नॉट वेस्टेड इन अनफिट ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि हम बात करते हैं कि कई बार जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उससे जो अगली जनरेशन है उसको कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो किस तरह की रहे, सुपीरियर या इन्फीरियर, किस तरह के करेक्टर्स उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएं। तो यहाँ पे तो चांसेस हैं, क्योंकि जीनोटाइप चेंज नहीं हो रहा है, तो जिस तरह का भी मदर प्लांट होगा उसी तरह की ऑफस्प्रिंग डेवलप होगी। तीसरी बात है सम एपोमिक्टिक प्लांट्स, हालांकि सभी केसेस में नहीं है लेकिन कुछ केसेस में है, अवॉइड द मेल एनर्जी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉलन। तो क्योंकि जैसे हमने अभी बताया था आपको कि वहाँ पे पॉलिनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो मेल प्लांट्स हैं जो उनकी एनर्जी है पॉलन प्रोड्यूस करने में वो ख़राब नहीं होगी, तो यहाँ पे क्योंकि रिक्वायरमेंट उसकी नहीं। क्योंकि कुछ केसेस की बात कर रहे हैं, जैसे आपको बताया गया था कि कुछ केसेस में पॉलिनेशन का जो स्टीमुलस है वो रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे वही वाली बात है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के, इसके कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो डिमेरिट्स हों। सबसे पहला, कैन नॉट कंट्रोल एक्मुलेशन ऑफ डेलीटेरियस जेनेटिक म्यूटेशन। तो यहाँ पे कुछ तरह का म्यूटेशन हो सकता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो इकोलॉजिकल नीचेज। तो बेसिकली कुछ ही रेस्ट्रिक्टेड एक तरह से स्पीसीज के लिए ये अवेलेबल है, सभी के अंदर ये कॉमन नहीं है। और तीसरा, लैक एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो जिस तरह से नॉर्मली प्लांट्स के अंदर होता है कि एक अडेप्टेशन डेवलप हो जाती है, एनवायरनमेंट यदि चेंज होता है तो वहाँ भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मली देखा जाता है कि इस तरह की केस नहीं है, क्योंकि चेंज नहीं आ रहा कुछ भी। जो सेम करेक्टर्स हैं वही सेम करेक्टर्स हमारे अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसलिए यदि वहाँ पे एबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर अडेप्टेशन की तो नेक्स्ट जनरेशन में भी नहीं आ पाएगी। तो इस लेक्चर में केवल इतना ही।